कक्षा 10 भूगोल की पुस्तक है, समकालीन भारत भाग 2 अध्याय 2 इसका आज हम करेंगे और अध्याय 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। भाग 1 इसका करेंगे और भाग 1 में बड़ा ही अच्छा विषय है, अच्छा लेसन है, वन और वन्य जीव संसाधन। इस धरती पर हम असंख्य सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक, मच्छर, हाथी, ब्लू व्हेल आदि करोड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। अब एक नया शब्द आया है, जैव विविधता से भरा हुआ है। जैव विविधता क्या है? व्हाट इज बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी? तो सबसे पहले हमने कहा है कि अगर हम देखें कि जैव विविधताओं से भरा हुआ है तो जैव विविधता जानना जरूरी है। थोड़ा सा नाम से अंदाजा लग सकता है, विविधता का मतलब है अलग अलग प्रकार के और जैव का मतलब है जीव। फिर भी अर्थ जान लेते हैं। पृथ्वी पर करोड़ों जीवों का आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए जीवित रहना जैव विविधता कहलाता है। अच्छी तरह से इसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पृथ्वी पर करोड़ों जीवों का, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पर करोड़ों जीव हैं, अतः पृथ्वी पर करोड़ों जीवों का आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए जीवित रहना जैव विविधता कहलाता है। इस जैव विविधता के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर एक ही प्रकार के जीव हों या दूसरे नष्ट हो जाए तो फिर इस पृथ्वी पर जो रहना है वो मुश्किल है। तो इस जैव विविधता के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र, एक और नया शब्द आया है पारिस्थितिकी तंत्र, आगे इसको नेक्स्ट वाले स्लाइड्स में हम बताएंगे। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। दोनों के दोनों हम कह रहे हैं कि व्यक्ति भी, यानी कि जो मनुष्य धरती पर रहते हैं, और दूसरे असंख्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और इस पारिस्थितिकी तंत्र का हम केवल एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए हम इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसी हम असंख्य जो अलग प्रकार के तत्व हैं उन पर निर्भर करते हैं। जैसे वायु, कौन कौन से तत्व हैं वो जान लेना जरूरी है। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं तो आप अकेले नहीं जीवित रह रहे हैं, आपके साथ असंख्य जीव जंतु जीवित रह रहे हैं और साथ ही उस पृथ्वी पर जीवन के लिए परिस्थितियां भी पैदा की गई हैं ताकि आप जीवित रह सके। जैसे सांस लेने के लिए वायु, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं। तो अगर ये चीज़ें ना हो तो आप यहाँ पर जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। पीछे आया था शब्द पारिस्थितिकी तंत्र, इसे कहते हैं, वो जान लेना जरूरी है। ये छोटे छोटे शब्द हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए इनका अर्थ जान लेना जरूरी है। पृथ्वी पर करोड़ों जीवधारी आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आपस में सभी जीव जंतुओं में कोई ना कोई संबंध जरूर होता है और वो आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यदि जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से, मतलब जीवधारियों की या जीव जंतुओं की जितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं वो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, अगर हम टोटल मान के चले तो पूरे विश्व की 8% संख्या जो है जैव उपजातियों की, या लगभग 16 लाख उपजातियां भारत में पाई जाती है।
अंडरलाइन कर लीजिए कि भारत में विश्व की जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है, 8% संख्या, और यदि इसे आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 16 लाख उपजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अनुमान यह भी कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात यानी कि वन में जो वनस्पतियां हैं, वन में जो पेड़ पौधे, 10% वन्य वनस्पति जात और 20% सतनधारियां या जीव जंतु जिनको हम कहते हैं कि लुप्त होने का खतरा है। ये एक अनुमान है ऐसा कि भारत में जितनी वन्य यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसका 10% और जितने जीव जंतु पाए जाते हैं उसका 20% लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में पहुंच चुकी हैं और उनके लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इसमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू शामिल हैं। आगे इनके चित्र आपको दिखाए जाएंगे जो जिनके या जीव जंतुओं के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। ये आप देख रहे हैं चीता है तो इसके भी लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। ये गुलाबी सिर वाली बत्तख है, इसका जो सिर होता है वो गुलाबी होता है, इसके भी लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। ये पहाड़ी कोयल है, ये जो आप कोयल देखते हैं वो काली होती है, इसका रंग थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, तो इसके भी खतरा खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। और ये है जंगली चित्तीदार उल्लू, उल्लू अगर आप देखें तो ज़्यादातर खत्म ही हो गए हैं, तो इसके भी लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। लुप्त होते वन, वैनिशिंग फॉरेस्ट, वन जो लुप्त हैं वो कैसे लुप्त होते जा रहे हैं। भारत में जिस बड़े पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है वह चिंता की बात है। वर्तमान समय में देश में वन आवरण के अंतर्गत लगभग 79.42 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल है। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है कि भारत में वन आवरण के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है। वन आवरण के अंतर्गत लगभग 79.42 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। अगर हम कुल मानकर चलें कि उसमें से 24.16% पर वन है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत, ये हम पिछले वाले अध्याय में हमने आपको बताया था कि कितना वन होना चाहिए एक देश में, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल भूभाग के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम तुलना करें तो 33% होना चाहिए वन, लेकिन भारत में जो कुल वन क्षेत्र है वो 14.16% है, तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो सीमा तय की गई है उससे काफ़ी कम है, जो एक देश के लिए चिंता की बात है। हिमालयन यव क्या है ये भी जानना जरूरी है। हिमालयन यव आपकी बुक में है, क्या है ये तो इसको जरा ध्यान से आपने सुनना है। हिमालयन यव ये कोई जीव जंतु नहीं है, एक बहुत ही जरूरी चीज़ है जिसको आपने जानना जरूरी है। हिमालयन यव क्या है? हिमालयन यव चीड़ के प्रकार का एक औषधीय पौधा है, यानी कि जिससे हमें दवाई प्राप्त होती है। हिमालयन यव चीड़ के प्रकार का, यानी कि जैसा चीड़ का पेड़ होता है ऐसा ही हिमालयन यव का पेड़ होता है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। किन किन चीज़ों से? पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से, यानी कि पूरे के पूरा पेड़ जो है महत्वपूर्ण है। टैक्सोल नाम का, ये नोट कर लीजिए कि कौन सा रसायन निकाला जाता है, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है, यानी कि इस पौधे से जो क्या है वो कैंसर की दवाई बनाई जाती है। हिमालयन यव पेड़ से टैक्सोल रसायन के ज़्यादा निकाले जाने के कारण
इस वनस्पति को खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इस पूरे पाठ में हमने यही बताना है कि वन को क्या क्या खतरा है। तो हिमालयन यव क्योंकि पूरा का पूरा पौधा जो है महत्वपूर्ण है, तो टैक्सोल रसायन के निकाले जाने के कारण इस वनस्पति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं, जो चिंता का विषय है। यदि इस प्रकार से पेड़ को बर्बाद किया गया तो आने वाले समय में ये पेड़ भी लुप्त हो जाएगा। संरक्षण की दृष्टि से पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण, यानी कि हमने इस हेडिंग्स में जो हेडिंग हमारे सामने है ये बताना है कि कौन से जीव जंतु ऐसे हैं जो अभी बचे हुए हैं और कौन से जीव जंतु ऐसे हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं और किन की सुरक्षा करने की जरूरत है। तो संरक्षण की दृष्टि से पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण, पहला जो वर्गीकरण हम करते हैं वो है सामान्य जातियाँ, नॉर्मल स्पीसीज। सामान्य जातियों में कौन कौन आते हैं, ध्यान से इन चारों पांचों वर्गीकरण को आपने ध्यान से देखना है कि कौन से वर्गीकरण में किसको रखा जाता है। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए भी पर्याप्त है, मतलब इनके ऊपर अभी कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, अभी इनकी संख्या जो है पर्याप्त। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए अभी प्राप्त है, जैसे पशु जो आप गाँव में देखते हैं वो भी हैं, साल का पेड़ और चीड़ आदि के पेड़ जो हैं वो पर्याप्त संख्या में हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं सामान्य जातियाँ। दूसरी है नंबर दो संकटग्रस्त जातियाँ, इंडेंजर्ड स्पीसीज। संकटग्रस्त जातियाँ किसको कहते हैं, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है, लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यानी कि वो जो परिस्थितियां हैं जिनके कारण इनकी संख्या घट रही है, चाहे शिकार के कारण हो या फिर कोई और कारण हो, यदि वे परिस्थितियां ऐसे ही जारी रहती हैं तो एक दिन ये जातियां समाप्त हो जाएंगी। ध्यान से सुन लिया होगा आपने, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे परिस्थितियां ऐसे ही जारी रहती हैं तो एक दिन ये जातियां समाप्त हो जाएंगी। आपके पास पेपर में प्रश्न आ सकता है कि कौन से पशु ऐसे हैं जो संकटग्रस्त जातियों में आते हैं, तो आपने उनको ध्यान से तब आप लिख पाएंगे जब आपको इनका मामूली सा अंतर पता होगा। तो खत ये तो इसमें कौन कौन से आते हैं, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, संघाई इसको मणिपुरी हिरण भी कहते हैं, इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, संघाई आपको आगे चित्र दिखाएंगे कौन कौन सी हैं, ये आप देख रहे हैं, ये काला हिरण है, ये भी संकटग्रस्त जाति है। उसके बाद ये जंगली गधा है, ये भी खत्म होने के कगार पर है, ये गैंडा है एक सींग वाला जिसको हम कहते हैं, भारत में ही पाया जाता है, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर ये आप देख रहे हैं, इसकी जो पूंछ होती है वो शेर जैसी होती है, बाकी दूसरे बंदरों की पूंछ अलग प्रकार की होती है, तो ये भी लुप्त होने के कगार पर है, लॉयन टेल्ड मैकॉक कहते हैं इसको। उसके बाद संघाई जिसको हम मणिपुरी हिरण कहते हैं, इसके अगर सींग आप देखें तो अलग प्रकार के हैं, तो ये मणिपुर में पाया जाता है, इसके भी लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया। उसके बाद है नंबर तीन सुभेद्य जातियाँ, वल्नरेबल स्पीसीज। अब ये सुभेद्य जातियाँ, इनका भी अर्थ आप अच्छी तरह से जानें तभी आप समझ पाएंगे, तीनों में अंतर कर पाएंगे। सुभेद्य जातियाँ कौन सी हैं, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या कम हो रही, सिर्फ कम हो रही है, अभी लुप्त होने के कगार पर नहीं पहुंची। जब गिनकर देखा गया है तो जितनी होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं रही, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या कम हो रही है, यदि इनकी संख्या लगातार कम होती रही और यदि ऐसा ही ट्रेंड जारी रहा तो ये भी संकटग्रस्त जातियों के, अभी ये लुप्त होने के कगार पर नहीं पहुंची है, छोटा सा मामूली सा अंतर है, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या कम हो रही और लेकिन यदि इनकी संख्या लगातार कम होती रही तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। कौन कौन से आती हैं इसमें, इसमें नीली भेड़, एशियाई हाथी,
गंगा नदी की डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण। इनके चित्र देख लीजिए, ये नीली भेड़ है, ये इनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। ये एशियाई हाथी है, भारत में पाया जाता है, इसकी भी संख्या कम हो रही है। और ये गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, स्पेशल आप देख रहे होंगे, अलग प्रकार की है। इसकी जो चोंच से टाइप का है वो एक अलग प्रकार, जबकि डॉल्फिन अलग प्रकार, गैंगेटिक डॉल्फिन इसको कहते हैं। उसके बाद है चौथा, दुर्लभ जातियाँ, रेयर स्पीसीज। दुर्लभ जातियाँ ये कौन सी हैं? ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या बहुत कम है या सुभेद्य, थोड़ी सी संख्या इनकी रह गई है, सुभेद्य इनको कहते हैं। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, अभी कम मतलब हो गई है इनकी, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं बदली, जिसके कारण इनकी संख्या कम हो रही है, यदि वे परिस्थितियाँ नहीं बदली तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। अब इसमें कौन से आते हैं? इसमें हिमालयन भूरा भालू और हॉर्नबिल इसमें आते हैं, जिनको हम कहते हैं दुर्लभ जातियां हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। कौन कौन से हैं ये आप देख रहे हैं, हिमालयन पाया जाता है, हिमालयन भूरा भालू, भूरा है बाकी काले होते हैं लेकिन ये भूरा होता है, और एक है हॉर्नबिल, तो इनकी संख्या जो है वो कम है। उसके बाद है पाँचवा, स्थानिक जातियाँ, एंडेमिक स्पीसीज। स्थानिक जातियाँ, ये कौन सी हैं स्थानिक जातियाँ? ये वे जातियाँ हैं जो किसी खास क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये वे जातियाँ हैं जो किसी खास क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, क्योंकि ये अंडमान में ही पाई जाती हैं इसलिए हम इनको कहते हैं स्थानिक जातियाँ। वे जातियां हैं जो किसी खास क्षेत्र में पाई जाती हैं, कौन कौन सी? अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर आदि। और छठा है लुप्त जातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। उनसे नाम से ही पता लग रहा है जो इस धरती से लुप्त हो गई हैं, फिर भी ये वे जातियां हैं जो किसी प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो चुकी हैं, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। देख रहे हैं आप, तो ये आमतौर पर खत्म हो चुकी हैं, गुलाबी सिर वाली बत्तख भी अब नहीं रही। भाग दो नेक्स्ट टाइम करेंगे। नमस्कार।